हाय, दिस इज़ गीतांजलि वेलकम यू ऑल टू दी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता सीरीज इस सीरीज में हम सेक्शन को डिस्कस करते हैं एंड देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाते हैं ये सीरीज आप मुझे लगता है YouTube पे जब आप देख रहे होंगे तो आपको भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की तो बहुत सी सीरीज़ मिलेंगी बट एम का जो हमारा मेन कंसर्न रहता है वो अभी तक तो किसी ने स्टार्ट नहीं किया है मुझे भी इसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लग रहा है सभी क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए आई होप मेरा ये इनिशिएटिव आप सभी को अच्छा लगा होगा अगर आपको लगता है कि इस सीरीज़ में कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए या आपका कोई सजेशन या ओपिनियन मेरे लिए है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं उस पर वर्क कर सकूँ सेकेंडली अगर आप हमारे पेड कोर्सेस पेड लीगल सर्विसेज पेड जजमेंट राइटिंग या भी आप या फिर आपको कोई भी लीगल कंसर्न है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके वहाँ से भी नोट्स वग़ैरह सब परचेज कर सकते हैं तो चलिए अब तक हम सेक्शन नंबर एट तक डिस्कस कर चुके हैं विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अभी हम क्या करेंगे सेक्शन नंबर नाइन टिल ट्वेल्व नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व को डिस्कस करेंगे जो कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट से डील करते हैं इस इन प्रोविजंस को डिस्कस करने के साथ साथ हम इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगाएंगे जैसा कि हम पहले सेक्शन नंबर नाइन करेंगे देन एम करेंगे देन सेक्शन नंबर टेन करेंगे सेक्शन नंबर टेन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे सेक्शन नंबर इलेवन एंड देन सेक्शन नंबर ट्वेल्व और हम उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन साइड बाय साइड करते जाएंगे तो चलिए आप बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर नाइन से सेक्शन नंबर नाइन अगर आप देखेंगे तो डील करता है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट कहाँ पर होगी और प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होंगे पावर्स कौन कन्फर्म कन्फर करेगा ये सभी बात की गई है सेक्शन नंबर नाइन में सेक्शन नंबर नाइन सबसेक्शन वन में क्या कहते हैं ये सेक्शन नंबर नाइन सबसेक्शन वन में ये कहते हैं कि सभी डिस्ट्रिक्ट में जितने मर्जी चाहें जैसा कि हाई कोर्ट को ठीक लगता है जितना मर्जी भी चाहे मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एक डिस्ट्रिक्ट में कितने होंगे इसकी कोई लिमिट नहीं है सभी डिस्ट्रिक्ट्स में कितने भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास हो सकते हैं अब बात आती है कि किस जगह पर होंगे कौन सा प्लेस होगा तो ये प्लेस कौन बताएगा स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कब बताएगी आफ्टर कंसल्टेशन विद दी हाई कोर्ट और इसके लिए स्पेस, स्पेसिफिक नोटिफिकेशन निकाला जाएगा ये आ, जितना पढ़ने में आपको इजी लगा है ना अगर आप राजस्थान साइड के पेपर्स देखेंगे तो वहां पे कई बार इस सेक्शन से क्वेश्चन बनता है तो आपको ये ध्यान रखना है एक डिस्ट्रिक्ट में कितने मर्जी भी जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हो सकते हैं अब ये किस जगह पर होंगे ये स्टेट गवर्नमेंट बताएगी किससे कंसल्ट करके आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट और इसके लिए एक स्पेसिफिक नोटिफिकेशन निकाला जाएगा उसके बाद सबसेक्शन वन में ही एक प्रोवाइजो दिया हुआ है प्रोवाइजो में ये कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट किसी भी लोकल एरिया के लिए एक स्पेशल कोर्ट बना सकते हैं या फिर एक से ज्यादा स्पेशल कोर्ट बना सकते हैं और आपको पता है कि जब स्पेशल कोर्ट बनाई जाती है तो वो किसी पर्टिकुलर केस या पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस के लिए बनाई जाती है जब किसी पर्टिकुलर केस या पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस के लिए कोई स्पेशल कोर्ट बनाई गई है तो ये कौन बनाएंगे स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट जब इस तरीके से स्पेशल कोर्ट बनाई जाएगी तो उस टाइम पे जो काम इस स्पेशल कोर्ट को दिया गया है वो कोई और जुडिशल मैजिस्ट्रेट नहीं कर सकता है अब ये जो स्पेशल कोर्ट बनाई जाएगी ये जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की भी हो सकती है जुडिशल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की भी हो सकती है ये कौन बताएगा कि किसकी है ये स्टेट गवर्नमेंट बताएगी आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट कि किस लोकल एरिया के लिए हम कोई स्पेशल कोर्ट बना रहे हैं ये स्पेशल कोर्ट एक सिंगल कोर्ट या फिर एक से ज़्यादा कोर्ट हो सकती है ये स्पेशल कोर्ट जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की भी हो सकती है जुडिशल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास की भी हो सकती है बट जब भी स्पेशल कोर्ट किसी केस या क्लास ऑफ केसेस के लिए बना दी गई है तो वो केस या वो क्लास ऑफ केसेस सिर्फ स्पेशल कोर्ट डील करेगी जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स नहीं डील करेंगे जैसे कि आप देखते हैं कि किसी किसी डिस्ट्रिक्ट या सब डिवीजन में एन आई की स्पेशल कोर्ट बनाई जाती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जो केसेस होते हैं वो सिर्फ उसी कोर्ट में ही डील होते हैं किसी और मैजिस्ट्रेट के पास नहीं असाइन होते हैं वही बात ये यह यहाँ पे कह रहे हैं उसके बाद सेक्शन नाइन सब सेक्शन टू में ये है कहते हैं कि अब जुडिशल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट तो बन गई ये कोर्ट तो बन गई अब इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होंगे तो इनके जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे ये अपॉइंट किए जाएंगे बाय हाई कोर्ट ठीक है हाई कोर्ट बताएंगे कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की जो कोर्ट है उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है उसके बाद सबसेक्शन थ्री में कहते हैं कि हाई कोर्ट को जब भी ठीक लगता है तो वो क्या कर सकते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की जो पावर है वो किसी और को कन्फर्म कर सकते हैं अब ये कोई और कौन होगा ये सिविल कोर्ट है पर जो ये सिविल कोर्ट है ये मेंबर ऑफ जुडिशल सर्विस ऑफ दैट स्टेट होगी इसको बिल्कुल इजी करके समझते हैं फॉर एग्जांपल मैं हरियाणा की बात करती हूं ठीक है हरियाणा में कोई सिविल जज हैं सिविल Uh, जैसा कि आपको हरियाणा को हरियाणा का पता होगा यहाँ पे सिविल जज की दो क्राइटेरिया होती हैं जूनियर डिवीज़न एंड सीनियर डिवीज़न ठीक है division, अब मान लीजिए कोई जूनियर डिवीज़न के सिविल जज हैं तो हाईकोर्ट को अगर लगता है कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में कन्फर करनी है तो वो जुडिशियल सर्विस ऑफ दैट स्टेट का जो भी मेंबर होगा जो कि सिविल कोर्ट को डील कर रहा है उनको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास की पावर कन्फर कर सकती हैं फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आप अपने ऊपर लेकर चलिए कि आप जुडिशियल सर्विसेस हरियाणा जुडिशियल सर्विसेस के कोई मेंबर हैं जो कि सिविल जज की तरह सिविल कोर्ट को हैंडल कर रहे हैं अब आप सिविल जज हैं तो आपको हाई कोर्ट हरियाणा की किसी भी कोर्ट के लिए जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की पावर कन्फर कर सकती है अगर हाई कोर्ट को ठीक लगता है एक्सपीडियंट लगता है या जरूरी लगता है तो क्लियर इतना समझ में आ गया अब इतना समझने के बाद हम लगाते हैं मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन जिससे ये प्रोविजन और क्लियर हो जाएगा यस yes. फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा आई होप विजिबल होगा अगर कभी भी आपको वीडियो में मेरी जो स्पीड है अगर ज़्यादा लगे तो आप सेटिंग्स में जाकर स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो पॉइंट फाइव या जितना भी आपको ठीक लगे अगर स्लो लगे तो तेज करके देख सकते हो ठीक है मतलब स्पीड करके देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अथॉरिटी एस्टैब्लिश कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन अ डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स को कौन एस्टैब्लिश करता है स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हुज रिक्वायर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट किसकी कंसल्टेशन चाहिए होती है हाई कोर्ट की नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री द स्टेट गवर्नमेंट कैन एस्टेब्लिश स्पेशल कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट टू ट्राई किस लिए स्पेशल कोर्ट बनाई जाती है किसी पर्टिकुलर केस या फिर क्लास ऑफ केसेस के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन मैजिस्ट्रेट्स कौन अपॉइंट करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हाई कोर्ट ठीक है नेक्स्ट व्हाट इज दिन ऑफ स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वॉन्स एस्टेब्लिश इन लोकल एरिया कोई स्पेशल कोर्ट बनाई गई है जिस स्पेसिफिक केस के लिए बनाई गई हो उनका जुरिस्टिक्शन सिर्फ उतना ही है ना उससे ज़्यादा ना उससे कम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कोई कोर्ट बना दी तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जितने भी मैटर्स होंगे उन स्पेसिफिक स्पेशल कोर्ट के पास ही जाएंगे पर उससे बाहर कोई केस हुआ तो वो उनके पास नहीं जाएगा ठीक है तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इट हैज एक्सक्लूसिव जुरिस्टिक्शन ओवर स्पेसिफिक केसेस फॉर विच इट इज एस्टैब्लिश्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, हैज़ दी अथॉरिटी टू कन्फर द पावर ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास ऑन अ मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विसेज़ स्टेट फंक्शनिंग एज अ सिविल कोर्ट जज कौन करता है किसके पास पावर है हाई कोर्ट को अगर ठीक लग रहा है एक्सपीडियंट लग रहा है नेसेसरी लग रहा है तो हाईकोर्ट क्या कर सकती है सिविल कोर्ट को पावर दे सकती है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास की नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वंस अ स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज एस्टैब्लिश इन अ लोकल एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अगर एक बार एस्टेब्लिश हो गई तो किसी और मैजिस्ट्रेट के पास वो जोरिस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो फर्स्ट ऑप्शन है अदर मैजिस्ट्रेट इन द एरिया रिटेन देयर जोरिस्ट्रिक्शन नहीं

जब उन्हें सही लगता है अभी तो हम पढ़ रहे हैं इसको तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्हेन इट इज एक्सपीडियंट और नेसेसरी जब हाई कोर्ट को ठीक लग रहा है जरूरी लग रहा है तो हाई कोर्ट सिविल जज को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास की पावर कन्फर कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन द हाई कोर्ट में कन्फर द पावर ऑफ अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट टू होम किसे दे सकते हैं एनी मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विसेज ऑफ दैट स्टेट पर ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट हरियाणा में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लगाना है तो दिल्ली के जुडिशियल सर्विस के मेंबर को दे सके नहीं उसी स्टेट के ठीक है तो इस बात को यहां पर ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कैन बी एस्टैब्लिश फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज क्यों एस्टैब्लिश की जाती है ट्राइंग स्पेसिफिक केसेज और पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन स्पेसिफाइज द प्लेस फॉर एस्टैब्लिंग एस्टैब्लिशिंग कोर्ट्स ऑफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट कौन बताएगा जगह कौन बताता है स्टेट गवर्नमेंट बताती है आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट तो यहाँ पे सेक्शन नंबर नाइन को डिस्कस कर लिया और सेक्शन नंबर नाइन के जितने भी एक्सपेक्टेड एम सी क्यूज मैं प्रिपेयर कर सकती थी उतने हमने डिस्कस कर लिए नेक्स्ट आते हैं हम प्रोविजन टेन पे यानी सेक्शन नंबर टेन पे और उसे डिस्कस करते हैं